Hello friends, welcome to Shivam Online Knowledge Academy. Friends, let's we start now fitter trade import and MCQ. First question, what is the angle of countersinking for riveting, right? So countersinking और हमें करना क्या है riveting. So उसका angle क्या होगा 75 degree, right? So 75 degree is the angle of countersinking for riveting. What is the product obtained from blast furnace, right? So blast furnace में से हमें जो product मिलता है वो है pig iron. Remember, blast furnace में से हमें जो product obtained होता है वो है pig iron. What A represents in grinding wheel specification जो दिया है, right? 32A46H8V. So उसमें A क्या रिप्रेजेंट करता है? तो A रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, राइट. आगे है विच मेथड इज सूटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस. सो हमें रिमूव करना है ब्रोकन स्टड को, तो कौन सी मेथड? सो उसके लिए मेथड है प्रिक पंच मेथड, राइट. So prick punch method is suitable to remove the broken stud very near to the surface. What is the angle of countersink, right? So angle of countersink is 90 degree, which indicates the strength of bond in grinding wheel. आगे हमने जो देखा A क्या represent करता है grade, right? सो ग्राइंडिंग व्हील में जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है वो है ग्रेड. व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय. सो कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में होगा 2-4%. विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रॉट आयरन. सो अभी हमने देखा कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या प्रोड्यूस होता है पिग आयरन, और रॉट आयरन जो प्रोड्यूस होता है वो है पडलिंग फर्नेस. व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, राइट. काफ़ी बार एग्जाम में आता है एक्मे थ्रेड का एंगल है 29 degree. व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, राइट. कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे हमें हेलिक्स एंगल पूछा है. सो हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल इज 27.5 degree, राइट. बट अगर हमें पॉइंट एंगल पूछा होता तो जनरल पर्पस ड्रिल का आपको पता ही है 118 degree, यहाँ पे हेलिक्स एंगल होगा 27.5 degree. व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मैट्रिक वी थ्रेड्स. अभी हमने एक्मे थ्रेड देखा, राइट, उसका 29 degree है. अगर वी थ्रेड पूछा गया मैट्रिक वी थ्रेड, उसका इंक्लूडेड एंगल होगा 60 degree. What A represents in grinding wheel specification 32A46H8V. So A represents type of abrasive, right? V denotes in grinding wheel is the bond, right? V denotes grinding wheel में V क्या indicate करता है bond. 5, यहाँ पे जो 5 दिया गया है ये जो स्पेसिफिकेशन है उसमें 5 डिनोट करता है स्ट्रक्चर को. व्हाट इज़ द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर रिमिंग डाया 10 mm. डाया 10 mm का होल है और उसमें रिमिंग करना है, राइट. सो कौन सी साइज का हम रिमर यूज़ करेंगे. सो 9.75 mm. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम अवेलेबल. सो फंडामेंटल डेविएशन BIS सिस्टम में 25 है, राइट. एंड लास्ट वन, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल. सो टॉलरेंस ग्रेड है कितने हैं टोटल 18 ग्रेड्स. 18 ग्रेड्स इज़ द फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स.